छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन धान खरीदी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान सदन में गर्भगृह तक जाकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित भाजपा के 11 सदस्यों को निलंबित कर दिया और सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की। धान के मुद्दे पर प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार से यह जानना चाहा कि कितने किसानों ने पंजीकृत रकबे का पूरा धान बेचा। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 33,146 किसानों ने पूरा धान बेचा। मंत्री अमरजीत भगत ने सदन में बताया कि प्रदेश में इस साल 19,55,465 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 33,146 किसानों ने प्रदेश में 100% धान बेचा। भाजपा ने सदन में कहा कि 19 लाख से ज्यादा किसानों का धान 100% नहीं खरीदा गया है। किसानों का धान कब खरीदा जाएगा, इस सवाल पर इसकी घोषणा करने की मांग की गई। विधानसभा में विपक्ष धान के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेरने की रणनीति से पहुंचा था। भाजपा सदस्यों ने अपने सवालों के साथ मंत्री को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन मरकाम ने हस्तक्षेप भी किया। मंत्री के हर जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और सदन में तल्खी बढ़ती गई। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सवाल पर चर्चा के लिए समय का हवाला देने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित 11 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। बोले गिरते रहे, किसान परेशान होता रहा और आखिरी 10 दिनों में तो हालत बद से बदतर हुई। बारदाना नहीं पहुंचे लोगों के पास, लाखों किसानों के पास टोकन दे दिए गए सोसाइटी में और उनको आश्वस्त किया गया, उनके धान आके ट्रैक्टर में खड़े रहे, पर अंत में सरकार ने कहा कि अब हम धान नहीं खरीदेंगे। ऐसे करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा किसान बच गए जिनका टोकन कट गया था और इनके धान नहीं खरीदी। कई कई किसान ऐसे हैं जिनका एक भी क्विंटल धान नहीं खरीदा गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।